तो दोस्तों, भारतीय यूट्यूबर कैरी मिनाटी उर्फ अजय नागर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वीडियो को लेकर चर्चा में आए और इसके बाद अब वो यलगार सॉन्ग के साथ लौट चुके हैं। दोस्तों, कैरी मिनाटी का यलगार सॉन्ग पिछले 6 दिनों से लगातार यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। 6 दिनों के अंदर इस वीडियो को लगभग 90 मिलियन प्लस व्यूज मिल चुके हैं। दोस्तों, कैरी मिनाटी का यलगार सॉन्ग रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाया जा रहा है। हालांकि कैरी के इस वीडियो पर साहित्यिक चोरी यानी प्लैगरिज्म का आरोप भी लगाया गया है। दरअसल दोस्तों, एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है बाबू हाबी, और दोस्तों उस बाबू हाबी का कहना है कि 3 साल पहले मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ था जिसका नाम था बोबो कैंटा, और अब कैरी मिनाटी ने उस बोबो कैंटा की धुन को चुरा कर अपना यलगार सॉन्ग बनाया है। दोस्तों, बाबू हाबी ने कहा कि कैरी मिनाटी का यलगार सॉन्ग बोबो कैंटा का कॉपीड वर्जन है, और उन्होंने इस मामले को लेकर कई इंस्टाग्राम स्टोरीज भी पोस्ट की। लेकिन दोस्तों, फिर इसके बाद कैरी के तमाम फैंस ने बाबू हाबी को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, कैरी मिनाटी के तमाम फैंस ने बाबू हाबी से कहा कि तुमने खुद 7 साल पहले रिलीज हुए ओलिवर के एक सॉन्ग की धुन को चुरा कर अपना बोबो कैंटा सॉन्ग बनाया। दोस्तों, फैंस ने बताया कि बोबो कैंटा सॉन्ग ओलिवर नाइट इज ऑन माई माइंड का कॉपीड वर्जन है। वही दोस्तों, इसी बीच एक फैन ने खुद ओलिवर से इस मामले को लेकर अपनी राय बताने के लिए सवाल किया। तो दोस्तों, ओलिवर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा गाना चुराया गया है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जिस बंदे ने मेरी धुन को चुरा कर अपना गाना बनाया है, वो किसी और को अपना गाना चुराने के लिए सू करने की बात कर रहा है। यानी दोस्तों, ओलिवर के हिसाब से बाबू हाबी का बोबो कैंटा सॉन्ग ओलिवर के सॉन्ग की धुन को चुरा कर बनाया गया है। साथ ही दोस्तों, कैरी के एक फैन ने उनसे ये भी पूछ लिया कि कैरी का यलगार सॉन्ग क्या आपके सॉन्ग का कॉपी है। तो दोस्तों, यहाँ ओलिवर ने कहा नो। यानी दोस्तों, इससे इतना तो साफ हो जाता है कि कैरी मिनाटी का यलगार सॉन्ग किसी भी सॉन्ग का कॉपी नहीं है, वो एक ओरिजिनल ट्रैक है जिसे स्क्रैच से बनाया गया है एज पर कैरी मिनाटी लाइव वीडियो। तो दोस्तों, जो लोग कैरी मिनाटी के यलगार सॉन्ग को कॉपीड बोल रहे थे, उनकी भी बोलती बंद हो चुकी है। तो वही कैरी मिनाटी के तमाम फैंस, आप बताइए कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जरूर शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, और बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।